हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलकराज सिंह 10+12 में। देखो बेटा, ये वीडियो वैसे तो सभी कोई भी बच्चा जो देखेगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके क्या है सिलेबस का एक टॉपिक है विटामिन, निश्चित आएगा विटामिन से एक क्वेश्चन। ज्यादा देरी ना करते हुए बेटा टॉपिक पे आओ, और टॉपिक में क्या है बेटा विटामिन। वैसे तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, ए बी सी डी और ई और के, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि बी में काफी विटामिन के जो है समूह ले रखा है। तो देखेंगे सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है बेटा वो इनके रासायनिक नाम है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में रासायनिक नाम ज्यादा पूछे गए हैं। क्या रासायनिक नाम, तो आपको जनरली क्या है, वैसे कुछ के तो रासायनिक आप लोग सब इंटर किए हुए हो, उम्मीद यह है कि ज्यादातर आपको रासायनिक नाम पता होंगे, लेकिन हम स्पेशली कुछ का याद रखते हैं और इनमें से ज्यादातर याद है, तो आप निश्चित ही ऑप्शन लगाना होता है उसमें, तुम्हें पीआईडी ना करनी, उसमें ऑप्शन लगाना है। तो एक बार बहुत अच्छी तरीके से देख ले, निश्चित लग जाएगा। देखते हैं बेटा विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल, और ये किससे संबंधित है, आंख से संबंधित है, यानी कि इससे संबंधित बीमारी अभी बाद में बताऊंगा क्या बीमारी हो जाती है। मैं एक बात और बता दूं तुम्हें कि ये विटामिन जो है हमारे शरीर को कोई भी एनर्जी प्रदान नहीं करती, कोई भी कैलोरी मान प्रदान नहीं करता, लेकिन फिर इसको लेते क्यों है, इसका कारण यह है कि इनकी कमी हो जाए तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, इसलिए शरीर में इनकी क्या है बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो मैं ये बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, इसे ना भी याद रखोगे तो आप लोगों का याद होगा ना, तो मैं अभी तुम्हें इस तरीके से ये बोल करके बताऊंगा किस किस को ज्यादा याद रखना है। खैर, आपको रासायनिक नाम सबके याद रखना है, विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। पहले विटामिन ए का देख लो बेटा, विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल, बस विटामिन ए को याद रखो, इसको बी कॉम्प्लेक्स को ना, सी का आपको याद होगा, सी क्या है बेटा, एक इसका नाम है क्या है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, और अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे अम्ल जो होते हैं खट्टे। इसका एक और अलग से जीएस में क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो अम्ल भी है, तो उस समय आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे, विटामिन सी लगाओगे, और ये अम्ल है तो निश्चित खट्टी चीजों में पाया जाता है। इसका स्रोत भी बहुत पूछा जाता है, इसका सबसे मुख्य स्रोत है आंवला। क्या है, आंवला, बहुत खट्टा होता है। ठीक है, तो विटामिन सी का नाम हो गया आपको, रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल, क्योंकि एसिड को ही क्या बोलते हैं, अम्ल। चलो आ बेटा विटामिन डी, अब देखो बेटा इनको इनको फिलो में याद करेंगे। विटामिन ई आपने देख ली, विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब तीनों को वैसे भी तो ये क्रम से आएंगे बेटा, कौन सा, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और के, तो अब यहां पर देखते हैं हमने ए को बिल्कुल अलग रखा और सी को भी बिल्कुल अलग रखा, अब मैं बात करूंगा किसकी, डी और ई और के, तो इनमें क्या है, डी का नाम है, डी बेटा कैल्शियम से संबंधित होता है, हड्डियों से संबंधित होता है, आप सब जानते हैं हड्डियों का निर्माण किससे, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, तो बिल्कुल सिंपल है, विटामिन डी का नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल, क्या है, कैल्सीफेरॉल। अब बेटा डी के बाद आएगा ई और एफ, वो सॉरी ई और के, तो ई का क्या हो जाएगा, ई का टोकोफेरॉल, क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। अब देखो विटामिन क्या है, के, ये है फ्लोक्विनोन, क्या है, फ्लोक्विनोन, निश्चित है डी का तो फ्लोक्विनोन है, और क्या है, किसका, के का क्या है, फ्लो और क्विनोन। फिर से मैं तुम्हें बता रहा हूं, आप लोग इधर ना देखे अगर मेरी बात पे भी ध्यान दोगे तो आपको क्या है आसानी से याद हो जाएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, विटामिन सी का क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड, अब विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का क्या है, टोकोफेरॉल, और विटामिन के का क्या है, फ्लोक्विनोन है, फ्लोक्विनोन। अर्थात यहां पे हमने क्या करा बेटा, ए याद करा और सी याद करा, डी और ई और के, सही है ना। अरे बेटा टोकोफेरॉल बहुत पूछा जाता है,
टोकोफेरॉल। ये टोकोफेरॉल क्या है, किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई का, सही है। फ्लोरक्विनोन आप जानते हैं विटामिन की का, और कैल्सिफेरॉल याद मत रखना, अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि जो विटामिन डी है वो उसका नाम है कैल्सिफेरॉल, ये आपको नाम याद आ गए। अब आ जाओ विटामिन बी में, बी कॉम्प्लेक्स में आएंगे, तो बेटा बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी अलेवन और बी ट्वेल्व, देखो इसका ज्यादा याद रखना, क्या रखना, इसका विटामिन बी ट्वेल्व का, और ना भी याद रखोगे तो अपने आप याद रह जाएगा। कैसे, क्योंकि विटामिन बी ट्वेल्व एक ऐसी विटामिन है जिसमें धातु पाई जाती है, क्या पाई जाती है, केवल इन सब में एक ही विटामिन ऐसी है जिसमें धातु पाई जाती है, कौन सी विटामिन है, बी बारह, कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट, तो नाम याद हो गया इसका, साइनोकोबाल्मिन या साइनोकोबाल, यहां पर कोबाल्मिन होता है, ठीक है, कोबाल्मिन, तो यानी कि कोबाल्ट धातु आए, जब भी आपका कोबाल्ट धातु है, ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, धातु पाई जाती है, तो वो ये की है हमारी बी ट्वेल्व, तो इसका नाम अलग से याद कर, है ना, बिल्कुल अलग से, इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन, क्या है, साइनोकोबाल्मिन। अब देखो बेटा ये पिछले सालों में आए हुआ है सवाल, क्या विटामिन बी सेवन का, सब मत याद रखना भाई, इसमें देखो कितने, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ है, आठ में कितनी याद, पांच याद कर लो, क्या कर लो, पांच। अब जब भी आपको क्या है भाई, आपको ऑप्शन ही तो लगाना है बेटा, आपको तैयारी ट्रिक से करनी होगी, अब वो वाली बात ना, सब चीज याद करो, सब मत याद करो, स्पेशल वाली याद कर लो तो समझ लो आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं, हमने अभी तुम्हें बताया बी सेवन का नाम क्या है, बायोटिन, क्या है, बायोटिन, आया क्वेश्चन है ये कि बी सेवन या बायोटिन किस विटामिन का नाम है, या बी सेवन का क्या है रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटिन। अच्छा ये शुरू में याद रहेगा, थायमिन सबको याद रह रहा होगा, बी वन का मान क्या है, थायमिन, बी वन विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, थायमिन, सही। अब आ जाओ बेटा यहां पर, ये देखते हैं कि हमें यार कितनी याद हो गई, हमें ये पता हो गया बी वन का मान थायमिन, बी सेवन का बायोटिन, और क्या है विटामिन बी बारह का क्या है, साइनोकोबाल्मिन, तीन याद हो गई। अच्छा बी ग्यारह का भी याद कर लो, बी ग्यारह क्या है, फोलिक अम्ल, क्या है, फोलिक अम्ल, विटामिन बी ग्यारह का नाम क्या है, फोलिक अम्ल। बेटा चार याद हो चुकी है, चार याद हो चुकी है, चलो बेटा और चाहो तो यार विटामिन बी टू का मान राइबोफ्लेविन, क्या है, राइबोफ्लेविन, किसका, बी टू का, देखो पांच मैंने याद करा दी, अब तुम जानो, देखो वे, अब मैं तुम्हें एक बार रिपीट करा दे रहा हूं, विटामिन बी वन का क्या है, थायमिन, विटामिन बी टू का क्या है, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी सेवन का क्या है, विटामिन बी सेवन का क्या है, बायोटिन, और विटामिन बी ग्यारह का क्या है, फोलिक अम्ल, और विटामिन बी बारह मैंने तुम्हें बताया क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट से याद रखना, क्या है, साइनोकोबाल्मिन, क्या है, साइनोकोबाल्मिन, बस। देखो बेटा ये पांच याद रखना है, अब मेरा तो यही है कि आप पांच ही याद रखो, और वैसे तुम्हारी मर्जी है, आप क्या है सबके सब याद रखो। बी थ्री का मान क्या है, बी थ्री का नाम है क्या है, निकोटिमाइड या निकोनी या निकोटिनेमाइड या नियासिन नाम से आता है, बेटा ये बहुत याद रखना, ये बी थ्री का याद रखना, क्योंकि इसका ये नाम बहुत याद इंपॉर्टेंट है, नियासिन किस विटामिन का नाम है, तो बेटा किसका है, किसका बेटा, बी थ्री का है बेटा, यहां पे क्या है, बायोटिन और नियासिन, बायोटिन और नियासिन, नियासिन किसका है, नियासिन है बी थ्री का, बायोटिन क्या है, बी सेवन का, कोबाल्मिन किसका है, बी ट्वेल्व का, ठीक है, थायमिन किसका है, बी वन का। अब देखो अगर सपोज करो ये ना याद रहते हैं, है ना, तो पेंटा आता है पांच के लिए, पेंटा कितना किसके लिए, देखो शायद आप लोगों को पता होगा, ना पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, और छह के लिए हेक्सा, सात के लिए हेप्टा, ज्यादा ना जाओ, हमें तो यहां पर रहना है, तो बेटा पेंटा काय के लिए आता है, पांच के लिए, लो जी याद हो गया, विटामिन बी फाइव का नाम पेंटोथेनिक अम्ल, क्या है, पेंटो आता है पांच के लिए,
पांच से याद रखो, B5 वो बताएगा, वो यही तो पूछेगा B5 का नाम क्या है रासायनिक, या पेंटो पेंटोथेनिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, तो B5 का। अच्छा आ जाओ, अभी मैंने बताया हेक्सा किसके लिए आता है, 6 के लिए, तो ये हो गया B6 का मान है, जो रासायनिक नाम है पाइरिडॉक्सिन किसके लिए है, डॉक्सिन हेक्सा के लिए, अभी डॉक्स हेक्स हेक्सानार या, तो पाइरिडॉक्सिन किसके लिए है, 6 के लिए। देखो फिर से सब याद हो जाएंगे अगर तुम थोड़ी सी ट्रिक से याद करोगे, और बेटा ट्रिक से ना याद करोगे तो ध्यान रखना एक चीज थोड़ा ही ना है, टाइम बहुत कम है, मैं भी आप लोगों को कोशिश करूंगा कि सब जो रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान जीके जीएस की लगभग 10 से 15 मिनट की रोज एक वीडियो दूंगा, जहां तक संभव हो जाएगा वहां तक, और गणित की भी दूंगा, और रही बात हिंदी की, क्योंकि भाई जो है मैं एक जो है काफी प्रयास करे हुए व्यक्ति हूं, सभी चीज का मुझे काफी अनुभव है, मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से जो भी आपके लिए बेहतर से बेहतर दे सकूं। चैनल को क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितने भी आपके जो यार दोस्त हैं उनको भी क्या है चैनल को सब्सक्राइब करने की सलाह देंगे, और जितना ज्यादा वॉच करोगे उसको आपका फायदा होगा। फिर से देख लो, मैं तुम्हें फिर दिखा रहा हूं, क्या B1 का याद हो गया होगा, B1 का क्या है थायमिन, B2 का क्या है राइबोफ्लेविन, B3 का याद रखना, 3 का मैंने ये वाला नाम नियोसिन याद रखो, देखिए ना से कोई और स्टार्ट है ना, तो ये भी आ जाए, क्या है निकोटिनेमाइड आ जाए, या नियोसिन, आप तो नियोसिन से याद रखना, नियोसिन किसका है B3 का है, आ जाओ इसका तो P5 का तो याद हो गया होगा, B5 का क्या पेंटोथेनिक अम्ल, और किसका B6 का क्या है पाइरिडॉक्सिन, B7 का ध्यान रखना बायोटिन, B11 का फोलिक अम्ल, और B12 का आपको पता ही होगा क्या साइनो क्या है कोवाल्मिन है, ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको कुछ जो इंपोर्टेंट है भाई मेरी तरफ से, हालांकि देखो सभी इंपोर्टेंट है, मैंने इसीलिए लिखे हैं क्योंकि आप एक बार छूट गए इससे तो थोड़ा सा गलत रहेगा। देखो अब बेटा एक क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, देखो क्या है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, बहुत टाइम से पड़ रहे होगे यार, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है रतौंधी हो जाती है, लेकिन रतौंधी तो हो जाती है, रतौंधी सबको याद होगी, ये वाला देखो ये क्वेश्चन ये आता है बेटा, क्या है जीरोफिटेलमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो जीरोफिटेलमिया ये भी एक आंख का ही रोग है बेटा, किसमें होता है किसमें, ये विटामिन ए की कमी से हो जाती है, और विटामिन ए का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ए को जो है विटामिन ए की कमी से संक्रमण हो जाता है, समझ गए, इन्फेक्शन हो जाता है, ये इन्फेक्शन रोधी विटामिन कहलाती है, तो ये संक्रमण का क्या रहता है खतरा रहता है अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है, सही। खैर आपको ये याद रखना है कि जीरोफिटेलमिया क्या है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से, ठीक, वेरी वेरी जानते ही हो, अरे थायमिन की कमी से होता है अर्थात विटामिन B1 की कमी से हो जाता है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है वेरी वेरी, ठीक है, अब आपको ये ना याद रहेंगे बेटा, इतना याद रखना तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन कुछ रोग याद रखेंगे, जैसे ये पांडु रोग होता है ये वाला, ये आप जरूर याद रखोगे, कौन सा ये वाला पांडु रोग होता है कौन सी विटामिन की कमी से, कौन सा पांडु रोग होता है किस विटामिन, तो B12 की कमी से होता है, ठीक है, इससे B11 एनीमिया है ना, एनीमिया पेचिस ये याद रखना, और क्या है लकवा, कौन सी ये लकवा कौन सी विटामिन की कमी से याद रखना है, कौन सी विटामिन B7, और मत याद रखो क्योंकि एक और याद रखो बेटा, क्या है पेलाग्रा कौन सी विटामिन से होता है की कमी से होता है, ठीक है, और ना याद रखेंगे और बहुत रहे, देखो फिर आ जाओ क्या, या फिर बिल्कुल सिंपल आएगा, क्या है स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की, रिकेटस रोग कौन सी
की कमी से होता है, तो कौन सी से होता है? रिकेटस रोग, विटामिन डी की कमी से। लेकिन यहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, ऑस्टियो मलेरिया। क्या है ये? ऑस्टियो मलेरिया रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो बेटा रिकेटस में बच्चों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, सही है? सूखा रोग भी बोलते हैं इसे। कौन सी विटामिन डी की कमी से? लेकिन ये बच्चों में होता है, ऐसे ही वयस्कों में कौन सा होता है? ऑस्टो मलेरिया। देखो बेटा ये दो चीज बहुत याद रखोगे, ये जीरो फिटेलमिया बहुत याद रखना है और ऑस्टियो मलेरिया। ये बेटा ऐसे समझो थोड़ी अलग बीमारी है, ये इसकी सबको जन इस सबको जानकारी ना है। खैर ये वाला ये जनरल क्वेश्चन है, बहुत बार जितनी कंपटीशन परीक्षाएं हैं बहुत ज्यादा पूछे गए हैं कि जनन शक्ति का कम होना, यानी कि कौन सी विटामिन है ऐसी है जिससे जनन शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हम कहेंगे विटामिन डी की कमी से। कौन सी विटामिन ऐसी है जिससे खून का थक्का बनने में क्या होती है? देरी लगती है। अर्थात थक्का रक्त का, रक्त या खून या ब्लड कुछ भी कह दो, रक्त का थक्का ना बनता है। कौन सी विटामिन की कमी से? विटामिन के की कमी से, सही है? मैंने उधर घेर दिए, ये जरूरी याद रखना। जीरो फिटेलमिया विटामिन ए की कमी से, और बेटा ऑस्टियो मलेरिया किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की। ठीक, बाकी की देखो छपड़े वाला क्वेश्चन ये, विटामिन की खोज की किसने की बेटा? फंक ने की थी, ठीक है? अब आ जाए बेटा, विटामिनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया, कितने वर्गों में? दो। वैसे देखो कितने विटामिन है? छह, ए बी सी डी और ई और के। अब विटामिनों को क्या है? जल और वसा में घुलनशील, जल और वसा में घुलनशीलता के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया, जल में घुलनशील और किसमें? वसा में। तो जल में कौन खुलती है बेटा? बी और सी। कैसे याद रखोगे? अरे बेटा जो बच्चे होते हैं ना, बच्चा, अरे ये बी और सी क्या कर लो, बच्चा ही तो हो गया, ये बी और ये सी, ये बच्चा है। बच्चा बेटा जल से ज्यादा खेलता है, स्टार्टिंग में छोटे बच्चे को कितना ही दूर रखोगे जल से, बड़ा इंटरेस्ट आता है उसे खेलने में, किसमें? जल में। तो जल में घुलनशील कौन सी हो गई? बी और सी। बाकी मत याद रखो, जितने भी बच्चे, कितनी बची? चार बची, वसा में होंगी, याद ही रखेंगे ना। केवल जल में याद रखो, जल में कौन सा? बी और सी, यानी कि बच्चे क्या है? बी और सी। ये बच्चा समझो किससे खेलता है? जल से, जल से बहुत खेलने में इसे इंटरेस्ट आएगा, वसा में याद ना रखेंगे। बाकी की जो चार विटामिन है वो कौन सी में, किसमें होंगे? वसा में घुलनशील होंगे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाती है, जानी जाती है। तो विटामिन कौन सी? ए, विटामिन ए। वह विटामिन जिसमें कोवाल्ड धातु पाई जाती है, मैं बता रहा हूं बार बार उधर से बताता चला आ रहा हूं, कौन सा? बी बारह। कौन सी? बी बारह। बी बारह शरीर में संश्लेषण विटामिन। हाँ देखो बेटा ये जो विटामिन है सब हमें भोजन के रूप में लेनी पड़ती है, भोजन के साथ लेनी पड़ती है, परंतु दो विटामिन ऐसी हैं जिसका संश्लेषण हमारे कहां? शरीर में हो जाता है। कौन सी? विटामिन डी, विटामिन डी और विटामिन के, ठीक है? विटामिन डी और के, छह विटामिनों में दो विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है, ठीक है? अब देखो क्या होता है, विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैगनी किरणों द्वारा त्वचा के किसमें? कोलेस्ट्रॉल द्वारा। अच्छा ये दो बार लग गया, द्वारा होता है। क्या है? त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा। विटामिन डी का जो है हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है, सही है? अब ये लिख दिया है मैंने क्वेश्चन, विटामिन शरीर को कोई कैलोरी नहीं प्रदान करती, परंतु इनकी कमी से शरीर रोगग्रस्त हो। कोई एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं सबको पढ़ाने के बाद तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा। कह देता है एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्या है शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करती, तो उसमें आ जाता है एक वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और एक आ जाता है विटामिन। तो कौन से पे टिक लगाओगे? विटामिन। विटामिन क्या है? शरीर को कोई भी एनर्जी प्रदान नहीं करती, ठीक है? देखो अब आ जाओ बेटा, मैंने कुछ भूल लिख दिए, अच्छे क्वेश्चन। ऐसा विटामिन जो एक अम्ल है, मैं उधर ही बता रहा हूं, उस एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? विटामिन सी का ही तो नाम है, विटामिन सी एक क्या है? अम्ल है,
चलो आ गई। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। वैसे क्या है, नींबू संतरे जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सब में विटामिन सी बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन डी का स्रोत जानते ही आप कहां से, अरे सूर्य में फ्री में मिल जाती है बेटा विटामिन डी। हाँ, विटामिन ई का स्रोत अंकुरित गेहूं मुख्य स्रोत है। विटामिन ई का जो स्रोत है अंकुरित गेहूं है। और बांझपन के लिए जिम्मेदार विटामिन विटामिन ई ये बांझपन के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है, ठीक है। और आओ बेटा, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्या विटामिन ए का मुख्य स्रोत कौन सा है, गाजर है। वैसे सेब वगैरह जितने भी मीठी चीज है और बाकी की आपका अगर आपको विटामिन की कमी होगी ना, क्या लेते रहे बेटा, दूध ले लोगे, दूध में लगभग विटामिन पाई जाती है, ठीक है ना, वो लेते रहोगे आपको जल्दी से कोई भी क्या है विटामिन सी कमी ना होगी। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, मैं इसी तरीके से हर टॉपिक की छोटी छोटी वीडियो, हो सकता है ये ज्यादा बड़ी हो गई हो, निश्चित है एक एक वीडियो में दो दो टॉपिक दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। आप लोगों को क्या है इस समय बेटा, ये ऐसा सोचो आपको ऐसा सुनहरा मौका मिल गया है, जो बच्चा चूक गया वो भाई जिंदगी भर पछताता रहेगा, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत दिनों में आती है, सही है। यदि आपको वास्तव में वृद्धि का जुनून है तो बेटा एक वरंट भी ना बिगाड़े, जहां से भी जिस स्रोत से भी आपको जो फायदा हो रहा हो, मैं भी कोशिश करूंगा, गारंटी दे रहा हूं, जीके जीएस और हिंदी और गणित, और मैं तो सभी चीज की वीडियो दूंगा लगभग, जो मुझे ये लगता है कि आपके भले के लिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।